फ्रेंड्स, दिस इज जागृति। कैसे हो आप लोग? आई उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम लोग इस क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो फैक्टर्स होते हैं कैसे के काम करते हैं और ब्लड क्लोट कैसे बनता है, उस मैकेनिज्म के बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे और ये जो फैक्टर्स होते हैं उनका क्या काम होता है इस बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी में अगर कोई कट लग गया है या बॉडी पार्ट में कोई इंजरी हो गई है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है मींस ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है, तो मींस ये नहीं होता कि ना हमारी बॉडी से जो लास्ट ब्लड ड्रॉप हो वहाँ तक, यानी कि लास्ट ब्लड ड्रॉप तक निकल जाए, ऐसा नहीं होता। एक क्लॉट बन जाता है और ब्लड ब्लड जो होता है वो लॉस होने से प्रिवेंट हो जाता है। तो वही हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कि इंजरी टिश्यू जो होते हैं, जहाँ पे इंजरी लगी होती है, इंजरी हुई हो जाती है, वहाँ से क्या होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेगा। जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करता है। फ्रेंड्स, एक बात और, जो ASE लगा होता है, इट मीन एन एंजाइम, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो इट इज एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ CA2 पॉजिटिव, जो CA होता है यहाँ पे ये एक्ट करता है। एंड उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इट विल बिकम थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन से ये फिब्रिनोजेन में, फिर फिब्रिनोजेन जो होता है वो फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और फिब्रिन मैंने लास्ट पास में बताया आपको क्या होता है, एक बार फिर से बताना है। फिब्रिन जो होता है वो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक स्टिकी धागा होता है, यानी कि एक चिपचिपा धागा होता है। तो फिब्रिनोजेन होता है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। फिब्रिन जो होती है वो कुछ ब्लड सेल्स के साथ मिल करके एक क्लॉट बना देती है और फिर जब क्लॉट बन जाता है, यानी कि बुंड जो होती है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे बुंड जो होता है वो सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कुछ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, इंजर्ड टिश्यू है, अगर इंजरी हो गई है किसी बॉडी के पार्ट में तो इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं एंड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करती हैं एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिनेज को फॉर्म करेगा एंड प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है इट इज़ एक्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ CA2 पॉजिटिव। एंड फिर क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रोम्बिन इट विल बिकम फिब्रिनोजेन और फिब्रिनोजेन से फ्रेंड्स फिब्रिन बनता है। फिब्रिन जो होता है वो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की समान यानी कि चिपचिपा धागा होता है। ये कुछ ब्लड सेल्स के साथ मिलकर एक क्लॉट बना देता है और क्लॉट जब बन जाता है तो हमारे जो बुंड होता है वो धीरे धीरे सही हो जाता है, ठीक है, हील हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कुछ मैकेनिज्म और ब्लड क्लॉटिंग। आई थिंक आपको समझ में आई होगी, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।